इस समाचार के प्रायोजक हैं मोनिका बेकरी, 2/3 क्रांति कृपलानी नगर, अन्नपूर्णा मेन रोड, महाराष्ट्र बैंक के सामने, इंदौर। इस न्यूज के प्रायोजक हैं दास बेकर्स, स्थान शिव शक्ति विला, प्लॉट नंबर 87, स्कीम नंबर 103, दुकान नंबर 2, केशरबाग ब्रिज के पास, इंदौर। इंदौर शहर के मल्हारगंज थाना क्षेत्र में नगर निगम के दरोगा और निजी डॉक्टर के कर्मचारियों के बीच मारपीट की घटना सामने आई है। इस मारपीट के पीछे एक पेड़ काटने के विवाद को बताया जा रहा है। हालांकि इस मामले में पुलिस ने दोनों ही पक्ष के लोगों को मेडिकल के लिए रवाना कर दिया था एवं उसके आधार पर प्रकरण दर्ज करने की बात कही जा रही है। मल्हारगंज पुलिस को नगर निगम के उद्यान विभाग के दरोगा डेनी पिता गोवर्धन हतोनिया और उसके सह कर्मचारी दीपक मेहता ने एक शिकायत आवेदन दिया है। पुलिस के अनुसार डेनी शनिवार सुबह अपने साथी कर्मचारियों के साथ क्षेत्र के राज मोहल्ला स्थित डॉक्टर दिग्विजय सिंह नीमा के यहाँ निरीक्षण के लिए पहुंचा था। डॉक्टर के यहाँ पिछले कई दिनों से मकान का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है जिसमें एक पेड़ बाधा बन रहा है। दरोगा द्वारा इसी पेड़ को हटाने के लिए निरीक्षण किया जा रहा था। निरीक्षण के दौरान ही डॉक्टर दिग्विजय सिंह एवं उसके यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे कर्मचारियों ने पेड़ को हटाने के लिए डैनी पर दबाव बनाया। इसी दौरान दोनों पक्षों में विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई जिसमें जमकर मारपीट हुई। दोनों ही पक्ष के लोग इस मारपीट के बाद थाने जा पहुंचे जहां पर पुलिस ने घायल लोगों को मेडिकल परीक्षण के लिए अस्पताल भेज दिया। पुलिस द्वारा यह कहा जा रहा है कि मेडिकल परीक्षण के बाद ही दोनों पक्ष के खिलाफ कौन सी धारा में प्रकरण दर्ज करना है यह तय किया जाएगा। ये राज मोहल्ला में है श्री दिग्विजय सिंह नेमा जी, ये अपने यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम करा रहे थे। उनके मजदूर वहाँ काम कर रहे थे और चूंकि कुछ पेड़ कंस्ट्रक्शन में बाधा आ रहे होंगे तो उनके द्वारा नगर निगम को सूचित किया था। नगर निगम के दरोगा डेनी जी वहाँ आए हैं अपने साथियों के साथ में और मजदूरों से कुछ हार्ड टॉकिंग हो गई थी, इस पर से मजदूर ने उसके डेनी के साथ मारपीट की है। ये नगर निगम उद्यान विभाग में दरोगा है, इनके सिर में चोट आई है, अभी मेडिकल के लिए भेजा है, जैसी सूरत होगी कार्रवाई की। मारपीट के मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है सर? अभी पकड़ के लेके आए हैं, अभी पूछताछ की जा रही है।